तो दोस्तों आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर हैं। तो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि इस समय हम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर हैं। तो आज एक बार फिर से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो एक और नए वीडियो के साथ, और इस समय हम हैं जो मुसेपुर क्रॉसिंग से लेके मिलैसा ओवरब्रिज तक जो रोड का कार्य चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर होली की वजह से लगता है कि कार्य बहुत सुस्त है। तो इतना मान के चलिए अब आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कार्य चल रहा है। तो आइए अब लेके चलेंगे हम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर। तो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर हो रहे कार्यों को भी दिखाएंगे। तो इस समय मुसेपुर क्रॉसिंग की तरफ देख सकते हैं कि कार बंद पड़ा है। तो इस समय हम आ चुके हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के पास। तो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के जो मुख्य भवन को भी आप लोग देख सकते हैं कि जो कार्य पहले हुआ था बस उतना ही है। अब इसके बाद हम आ चुके हैं प्लेटफार्म नंबर एक पर। तो प्लेटफार्म नंबर एक पर भी जो पहले फाल सीलिंग का कार्य करना था, जो रेलिंग वेलिंग लगाने का कार्य था, वह वहीं तक सीमित है। तो देखने से लग रहा है कि अब होली ख़त्म हो गई है, तो इस पर जोर भी हो सकता है कि जोर लगाकर काम हो। तो इस समय आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि 3 नंबर पर कैफिया सुपर फास्ट एक्सप्रेस आकर लगी हुई है। तो इसके साथ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देख सकते हैं कि जो जो कार्य चल रहा है तो इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। तो इसके साथ आप लोग देख सकते हैं कि इस समय हम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर हैं। तो आइए इसके आगे आपको दिखाते हैं। तो इसके आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर RCC की ढलाई हो चुकी है, और यहाँ देख सकते हैं कि यात्री सुविधा हेतु यहाँ पर स्टील के तो पेयजल पीने के लिए यहाँ पर सुविधा लगाई जा रही है। तो आने वाले समय में बहुत कुछ इसी तरह बदलता हुआ आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर देखने को मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर। तो अब आ चुके हैं हम माऊ साइड की तरफ। तो माऊ साइड की तरफ देख सकते हैं कि आप जो पहले कार्य हुआ था उतना ही है, और इसके साथ जहां पर टिन सेट का फाउंडेशन है वहां पर एक चौथरा बनाया जा रहा है। इस पर मार्बल लगाए जाएंगे, यात्रियों को बैठने के लिए भी सुविधा मिलेगी इस जगह पर आप देख सकते हैं। और आने वाले समय में यह स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पूरा मार्बल लगेंगे, और आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को एक आकर्षित रूप में भी दर्शाया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का कार्य होली की वजह से देखने से लग रहा है सभी काम करने वाले छुट्टी पर चले गए। तो इसके साथ नया पार्सल रूम भी बनकर तैयार है। तो हम आ चुके हैं जो रेलवे कॉलोनी की तरफ। तो रेलवे कॉलोनी की तरफ आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर भी एक वही स्टील वाला लगेगा। इसके साथ यहाँ देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर कुछ मऊ साइड की तरफ जब हम गए तो प्लेटफॉर्म नंबर एक पर देख सकते हैं कि मार्बल लगा दिया गया, और इस पर जब साइनिंग वाली जो मशीन चलाई जाती है तो इसकी साफ़ सफाई होगी तो एकदम चमकने लगेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो टाइल्स और मार्बल के पत्थर है उसे काट कर रखा गया है। तो प्लेटफॉर्म नंबर एक पर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है, और जल्द ही फाल सीलिंग का भी कार्य शुरू हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफार्म नंबर एक का कार्य है वह प्रगति पर था, होली की वजह से बंद है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हम नए फुट ओवर ब्रिज से आपको दिखा रहे हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का नज़ारा। तो ये बड़ी खबर यह है कि अब नया जो फुट ओवर ब्रिज बना था वह 4 नंबर तक जोड़ दिया गया, तो आप नए फुट ओवर ब्रिज से भी आना जाना कर सकते हैं। तो इस समय हम नए फुट ओवर ब्रिज पर हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि नए फुट ओवर ब्रिज पर हम 4 नंबर तक जा रहे हैं। तो अब 4 नंबर से भी ट्रेन का आवागमन शुरू हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नए फुट ओवर ब्रिज पर जो टाइल्स जो पैदल मार्ग पर लगने थे वह लग चुका है और शुरू भी हो गया है। तो हम नए फुट ओवर ब्रिज से आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का नया फुट ओवर ब्रिज यही है। इसके बाद एक और बनेगा जहां पर एस्केलेटर और लिफ्ट लगेंगे। 12 मीटर चौड़ा हुआ फुट ओवर ब्रिज बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन नए फुट ओवर ब्रिज से हम आपको दिखा रहे हैं। तो पहले से कितना आजमगढ़ रेलवे स्टेशन बदल गया है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। होली ख़त्म होने के बाद अब काम शुरू जोरों से होंगे। तो इस समय हम आजमगढ़ रेलवे स्टेशन आपको दिखा रहे हैं।
और इसके साथ अब हम नीचे उतर रहे हैं तो एक नंबर पर जाएंगे तो एक नंबर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके बगल में मिट्टी टी डाला जा रहा है, यहाँ पर ग्रीन गार्डन बनाया जाएगा, लगभग फूल पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो आने वाले समय में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को भी आकर्षित रूप में, इसे गार्डन के रूप में एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फूल पौधे लगाकर विकसित किए जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर पेयजल की भी सुविधा स्टील वाली लग चुकी है। जैसे ही एक नंबर पर ट्रेन लगेगी तो यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया जा रहा है। इसके साथ हम आ चुके हैं मेन मुख्य भवन के पास। तो आप लोग देख सकते हैं कि एसी डोर मैट्रिक लगी हुई है, तो यात्रियों की सुविधा के लिए अगर ट्रेन लेट होती है तो इसमें आप जाकर कुछ पैसा देकर रेलवे के हिसाब से यहाँ पर सो सकते हैं और रह सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये मुख्य गेट के बाहर अब हम आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का नज़ारा। तो यहीं से वीडियो को भी समाप्त करेंगे, जैसे ही कार्य शुरू होगा तो अपडेट देने की कोशिश करेंगे। तो यहीं से वीडियो को भी समाप्त कर रहे हैं।